चक्रवर्ती पाद, पाद बोलते मान के नाम का यह स्वभाव है कि वह अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाता। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि भगवान के नाम का यह स्वभाव है कि वह अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाती है। इस कारण से बहुत सारे लोग नाम जप छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान का नाम अमोघ है और वह आपके चित्त में प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। इसका कोई तोड़ नहीं है। आज आपको लग रहा है कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, प्रोजी हम नाम जप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन एक समय के बाद ध्यान रखिए, प्रभु आपको पागल कर देगा, ये नाम पागल कर देगा, पागल करता जाएगा। आप रह नहीं पाएंगे नाम जप किए बिना, रह नहीं पाएंगे। कृष्ण के लिए यह पागल कर देगा आपको, है ना। नाम जप करते रहिए, तड़प जाएंगे आप। शुरुआत में लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार ऐसे तो कार्य कर रहा है, लेकिन जैसे ये प्रभाव दिखाना शुरू किया आपको बहुत श्रद्धा हो जाती है, बहुत तीव्र श्रद्धा हो जाती है। यह मतलब ऐसी श्रद्धा हो जाती है, यह मेरे कृष्ण की नष्ट कर रहा है, इसलिए करते रहिए, करते रहिए, अनुभव होगा। ठीक उसी प्रकार वो होता है ना, बांस वाली खेती हमने किया तो नहीं है, लेकिन सुना है कि बांस की खेती जब होती है ना, बांस में 5 साल या 10 साल तक, पता नहीं कितने साल तक, कुछ भी नहीं होता है। अब खाली पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, और फिर जब वह उत्पन्न होता है तो एक एक साथ हमने सुना है कि एक एक दिन में वो एक एक फीट या फिर दो दो फीट बढ़ते जाते हैं। वैसे ही नाम जब एकदम पटाख से, अभी तो लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन चक्रवर्ती पाद कहते हैं ध्यान रखिए, भगवान का नाम का स्वभाव है कि अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाती है, जब दिखाना शुरू कर देती है तो एकदम मतलब पागल कर देती है, पागल कर देती है।